नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार दोगुनी हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2038 नए कोविड केस सामने आए हैं। कोरोना के नए मामलों ने 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5158 पहुंच गई है। तो लगातार प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। 24 घंटे में 2038 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। 7 महीने का रिकॉर्ड टूटा है प्रदेश में और कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5158 हो गई है। तो लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि एहतियात बरतने के लिए बार बार अपील की जा रही है, कोविड गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है उसकी वजह से यह आंकड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। रुक करते अगली खबर का। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। दरअसल पीएम मोदी आज पंजाब के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर सड़क के रास्ते हुसैनीवाला जाते वक्त कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला यहां 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया जा रहा है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। तो वही इस पूरे मामले को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुराभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पंजाब की घटना ये बहुत ही स्तब्ध करने वाली घटना है। सुनकर मैं स्तब्ध हूँ कि आखिर कोई सरकार कैसे ऐसा कर सकती है। प्रधानमंत्री हमारे संवैधानिक संस्था के सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च संस्था पर के हेड हैं और इस प्रकार से उनकी सुरक्षा में इस प्रकार की ढिलाई करना, इस प्रकार की गफलत करना और मैं कहूँगा कि बेशर्मी की हद को पार किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम उत्तराखंडवासी इस प्रकार की घटनाओं घोर निंदा करते हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र की हत्या करने पर विश्वास करती है, चाहे इमरजेंसी लगाने का मामला हो चाहे ताजा योजना। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा हो गई है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम इसमें शामिल है। दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह भी समिति में शामिल है। सुनील बंसल, सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। बीजेपी के कई मंत्रियों का चुनाव समिति में नाम है। तो जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, अब सरगर्मियां तेज होती जा रही है और इसी कड़ी में यहां बीजेपी के चुनाव समिति के जो नाम है उनका ऐलान हो चुका है। जाहिर तौर पर इसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्रियों के नाम भी शामिल है। तमाम जो दिग्गज है प्रदेश के उनको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। मकसद एक ही है, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को हर परिस्थिति में जीत की तरफ ले जाना और जो कुछ कमियां खामियां है, नाराजगी है, उनको दूर करना। समय रहते ये करना चाहती है पार्टी और इसलिए भी ये बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, ये जो सूची आई है वो कितनी बैलेंस है और किस तरह की बड़ी जिम्मेदारियां इन सबको सौंपी गई है? देखिए,
देखिए भाजपा कोई भी काम करती है सोच समझ कर करती है और कई गणित के हिसाब से करती है। पूरी लिस्ट में आपने देखा होगा सभी जातियों को साधने की कोशिश की गई है, जो लोकप्रिय है नेता जो अपने जात में दबदबा रखते हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से 19 लोगों के लिस्ट के साथ साथ जो पदेन अधिकारी यानी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष महिला है गीता साख उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और चार जो नाम है वो विशेष आमंत्रित सदस्य राधा मोहन सिंह, संजीव चौधरी और सुनील ओझा, इन चार नाम इस तरीके से शामिल किए गए हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि चुनावी जो समिति है जो गठन किया गया है ये पूरी तरीके से 2022 के चुनाव को जिस तरीके से जीतने के लिए उसमें जो प्लानिंग की है भारतीय जनता पार्टी ने, स्वतंत्र देव सिंह उसमें सबसे नंबर वन पर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री वर्तमान में है दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम है सुनील बंसल जो महा प्रदेश संगठन मंत्री हैं। तो इस प्रकार से एक मजबूत टीम समिति में बनाई गई है। अब भाजपा की ये टीम जो है 2022 के चुनाव में प्रचार प्रसार करेगी और संगठन को मजबूत करेगी। जाहिर तौर पर कोशिश यही है कि सभी को साधा जा सके, सभी वर्गों का समीकरण सही स्थिति में बैठाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस पूरी जानकारी के लिए। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से बढ़ रहा है। लगभग सभी राज्यों में तेजी से कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वही कुछ ही महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में चुनाव के लिए आयोजित की जा रही रैलियों में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची भी जारी की है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो प्रदेश की 70 विधानसभा के क्षेत्रों के लिए कुल 11,647 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इस बार उत्तराखंड के 2022 विधानसभा चुनाव में कुल 81,43,922 बता दें आपको कि दरअसल करोड़ों की संख्या में मताधिकार करने के लिए जो वोटर्स हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है और जाहिर तौर पर इसके अनुसार चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां की है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां 1,74,351 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस सूची में पुनरीक्षण में 52,80,882 नए वोटर जोड़े गए हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में कुल 15,02,84,005 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 1,74,351 पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन बूथ। इस पुनरीक्षण में मतदाता सूची में जेंडर रेशियो में सुधार परिलक्षित हुआ है, जो कि आलेख प्रकाशन के समय 857 था जो वर्तमान में 868 हो गया है, अर्थात 11 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। इस पुनरीक्षण के दौरान कुल 52,80,882 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इनमें 23,92,258 पुरुष, 28,86,988 महिला एवं 1,636 थर्ड जेंडर अर्थात तृतीय लिंग के मतदाता हैं। वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 1,74,351 पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन बूथ। इस पुनरीक्षण में मतदाता सूची में जेंडर रेशियो में सुधार परिलक्षित हुआ है, जो कि आलेख प्रकाशन के समय 857 था जो वर्तमान में 868 हो गया है, अर्थात 11 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। इस पुनरीक्षण के दौरान कुल 52,80,882 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इनमें 23,92,258 पुरुष, 28,86,988 महिला एवं 1,636 थर्ड जेंडर अर्थात तृतीय लिंग के मतदाता हैं। तो टोटल
नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन मैंने लास्ट वीक में भी बताया था, हमारा 11,647 है, 11,647। तो ये हमने नवंबर में किया था, ये एडिशन करने के पहले। अभी इतने एडिशन होने के बाद कहीं पे भी 1,200 से ज्यादा वोटर्स होंगे। मानक ये है कि कोविड को देखते हुए पहले 1,500 होते थे, अभी 1,200 वोटर्स हम रखेंगे एक बूथ के लिए। और 1,200 वोटर्स से ज्यादा अभी एडिशन्स हमने जो 3,60,000 किया है उसमें कोई बूथ में ज्यादा एडिशन्स होंगे, तो वहां पे ऑक्सिलरी बूथ बनाने का भी प्रस्ताव हम इसके बाद भेजेंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, वोटर आईडी कार्ड के साथ साथ मतदाता केंद्र भी यहां पर तय कर लिए गए, साथ ही साथ कोविड गाइडलाइन का किस तरह से पालन करना है इसके लिए भी तैयारियां लगभग कर ली गई है। बढ़ते आगे, केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राजधानी लखनऊ समेत कानपुर रीजन के हाईवे मिलाकर 14,199 परियोजनाओं को लेकर, 8 बड़ी परियोजनाओं को लेकर सौगातें दी है। और यहां पर आपको बता दें कि खराब मौसम के चलते गडकरी का चार्टर्ड प्लेन चकेरी एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका, इसलिए गडकरी ने लखनऊ से ही वर्चुअल शिलान्यास किया। इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पेंशन का पात्र मानने हेतु भी निर्णय लिया गया है, उनको पेंशन दे होगी। सभी किसी विभागों में जैसे इसके किसका इसके कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि विभिन्न विभागों में है। और ये जहाँ जहाँ जो पेंशनेबल थे, जहाँ पेंशनेबल नहीं है पद वहाँ कैसे हो जाएगा? जो पेंशनेबल थे, सपोज उत्तर प्रदेश में 1988 में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लगे और उत्तर प्रदेश से 2000 में हम लोग अलग हो गए, उत्तर प्रदेश ने उन डॉक्टर्स को 2003 में नियमित कर दिया और उत्तराखंड में वो 2006 में नियमित हुए। तो उत्तराखंड में क्योंकि 1 अक्टूबर 2005 के बाद वो कन्फर्म उनको रेगुलाइज किया, उनको पेंशन का पात्र नहीं माना जा रहा था, तो यह निर्णय लिया गया कि जो उत्तर प्रदेश के समय में जो व्यक्ति लगा हो एक ही विज्ञप्ति के आधार पर और उसको उत्तर प्रदेश में अगर पेंशन मांगे है तो हमारे राज्य में भी उसको पेंशन दे होगी। इसके अलावा जैसे शिक्षकों के कुछ पत्ते आपने देखा, कुछ जनपदों में एक ही विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्ति पहले हो गई और कुछ जनपदों में नियुक्ति बाद में हुई। कुछ जनपदों में ऐसे ही एक प्रकरण ऐसा था कि एक जिले में उपचुनाव चल रहा था, उपचुनाव के चलते में नियुक्ति नहीं हो पाई, उपचुनाव के बाद भी तब तक 1 अक्टूबर की डेट आगे निकल गई। तो ऐसे सभी लोगों को एक समान ढंग से ट्रीट करने का निर्णय लिया गया है कि वो भी अगर उसके उस विज्ञप्ति के आधार पर कुछ लोगों को पेंशन मिल रही है तो उस विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त सभी व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी। यह आरक्षण जी, मैं और बंशीधर भगत इसमें कोई संख्या नहीं है, इसमें विभिन्न विभागों में प्रत्यावेदन थे तो उसकी समीक्षा की तब किया। इसी के साथ ही पिछली बार निर्णय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बारे में कैबिनेट ने लिया था, उसको आयुर्वेदिक की जगह आयुष समझा जाए कहा गया, क्योंकि ऐसे ही हालात होम्योपैथी में भी थे तो उसमें आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों ही कवर हो जाए। चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पदों को आयुष शिक्षा विभाग के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी शिक्षा विभाग के विभागीय ढांचे में सम्मिलित करने का निर्णय भी माननीय कैबिनेट ने। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को सुन रहे थे आप, जो कि धामी कैबिनेट की बैठक के बाद क्या फैसले लिए गए, किन पर चर्चा हुई, उसके बारे में विस्तार से बता रहे थे। अभी वक्त हुआ है 5 मिनट में 25 खबरों का। केदारनाथ और
तुंगलनाथ में जमकर हो रही है बर्फबारी। भारी बर्फबारी के बीच बाबा की भक्ति में लीन भक्त दिखाई दिए। कपाट बंद होने के बाद भी पर्यटक भारी संख्या में तुंगनाथ मंदिर पहुंचे। बुलंदशहर के खुर्जा में युवक का जंगल में शव पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। सैमुअल पॉल ने अंबेडकर नगर की जनता को नए वेरिएंट को लेकर सचेत किया। जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, एहतियात बरतना जरूरी। देहरादून में मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए मौसम फोरकास्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। आगरा में जूता कारोबारियों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। जूते पर 5% से 12% तक टैक्स का विरोध करते हुए जूता उद्योग से जुड़े व्यापारी नजर आए। लखनऊ में जाम की स्थिति से राजधानी लखनऊ की जनता परेशान है। केसरबाग चौराहे पर लगातार जाम लगा रहता है। इसी रास्ते से होकर मरीजों को भी आना जाना होता है। बदायूं में सराफा व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें कि पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। एटा में दबंगई के बल पर प्रधान ने गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा किया। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है पीड़ित। जौनपुर में संयुक्त पुलिस टीम ने हत्या के आरोप में एक आरोपी अमन सिंह को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। कासगंज में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोथरे की ओर से जनपद के सभी थानों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार में धर्म संसद की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। संतों के ऊपर हुए फर्जी मुकदमे और SIT के गठन के खिलाफ प्रदेश भर में हिंदू प्रतिकार सभा करेंगे। रामपुर में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। आवारा गौवंशीय पशुओं से ग्रामीण परेशान है। जिला प्रशासन पर उनकी बात का कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। ललितपुर में दुकानों की नीलामी में पैसा जमा कर गोली लगाने वालों के आला अधिकारियों पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया गया है। पैसा जमा करने के करीब 4 महीने के बाद भी दुकानों पर कब्जा नहीं देने का आरोप लगा है। गाजियाबाद में नगर पुलिस ने घर और फ्लैटों में चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास चोरों ने चोरी के सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए। देहरादून में बढ़ते कोविड के मामलों के बाद दून अस्पताल प्रबंधन भी अब सख्त हो चुका है। अस्पताल में मरीजों को देखने आने वाले परिजनों को भी कोविड-19 रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य। गोंडा में जिला कारागार में निरुद्ध एक बंदी की मौत हो गई। बंदी की मौत से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। हत्या के मामले में पिछले 16 महीने से जेल में बंद था बंदी। इटावा में 2 दिन से लापता टाइल्स मजदूर का शव मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में घने कोहरे की वजह से बाइक चालक और कार चालकों को दिक्कतें हो रही है। कोहरे की वजह से आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरेली में शराब पीकर रेस्टोरेंट में घुसकर दबंगों ने फायरिंग कर दी, जिसका विरोध करने पर रेस्टोरेंट के मालिक से हाथापाई करने पर दबंग उतारू हो गए। कन्नौज में युवक ने संदिग्ध अवस्था में तमंचे से अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली, जिससे कि युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतापुर में पुलिस वाले चोरी करते हुए नजर आए। पुलिस वाले की करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई। इलाके में लगातार चोरियां हो रही है, जिससे कि परेशान होकर लोगों ने अब CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया। बलिया में अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
रामनगर के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों में एक बाघ लंगूर पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंच से खाली कुर्सियों को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री नजर आ रहे हैं।